अब हम क्रिएट करते हैं अपना पहला टेबल माई एसक्यूएल वर्कबेंच। क्रिएट करने के लिए हमने जो पहले डेटाबेस क्रिएट कर ली उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कॉलेज नाम की डेटाबेस क्रिएट की और हम ये चाहते हैं कि उस कॉलेज नाम की डेटाबेस में हम स्टूडेंट से रिलेटेड जो है डेटा ऐड करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले कमांड रन करनी है जो यूज डेटाबेस जो हम कॉलेज वाली यूज कर रहे हैं उसका नेम देंगे, उसके बाद सेमी कॉलन लगा के एंटर प्रेस कर देंगे कि वो हमारा एक कॉलेज से रिलेटेड जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है वो यूज होगी हमारा टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे जी क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब जिस नेम से भी हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो नेम देंगे, ये जो ब्रैकेट है वो पैरेंथेसिस लगाने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद एंटर प्रेस करने पे हमारी सेकंड लाइन में हमारा कोड जो है वो लिखा जाएगा। हम पहले लिखेंगे जी कॉलम नेम, कॉलम नेम। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले कॉलम में लिखना चाहते हैं आईडी, तो आप यहाँ पे आईडी लिख दें। सेकंड में आप नेम लिखना चाहते हैं, नेम लिख दें। और थर्ड में आप अगर एज लिखना चाहते हैं तो एज लिख। तो कॉलम के नेम हमने लिखने हैं, कॉलम नेम पहले हमने दे दिया आईडी, जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं जी क्रिएट टेबल करना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट से रिलेटेड यानी कि टेबल का नाम हम स्टूडेंट रख देंगे, फर्स्ट कॉलम का नेम हम आईडी दे देंगे। और आईडी देने के बाद अब आपको पता है कि आईडी जो होती है वो नंबर्स की फॉर्म में होती है, कोई भी आपकी जो है अल्फाबेट्स की फॉर्म में आईडी नहीं होती। तो नंबर की फॉर्म में आईडी जो होती है उसकी जो डेटा टाइप हम वो बताएंगे कि नंबर्स की फॉर्म में हमने डेटा, तो डेटा टाइप होती है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को हम INT करके लिखते हैं। INT आगे डेटा टाइप। और कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट होता है आपकी स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन करने वाला जो एक कमांड है। सो कंस्ट्रेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आप इस डेटा टाइप पे कौन सी कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रेंट यहाँ पे आएगा प्राइमरी की, प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट होता है ये हमारे पास ऐसी की होता है जो कि यूनिक की होती हैं, और दूसरा इसमें नल कोई वैल्यू नहीं आती यानी कि नॉट नल होती है वैल्यूज इसमें। अब जब आईडी लिख रहे हैं तो आईडी जब कोई स्टूडेंट होगा तो उसकी कोई आईडी होगी, ये ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट हो लेकिन उसकी कोई आईडी ना हो। सो यहाँ पे हमें नॉट नल का पता लग गया। अब यूनिक हमारी की कैसे हो सकती है, यूनिक का मतलब ये है कि एक कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हर स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, क्योंकि स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं, स्टूडेंट की जो सिटी होती है वो सेम हो सकती है, स्टूडेंट्स की एज सेम हो सकती है, बट हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है। सो यूनिक आईडी से रिलेटेड आपको प्राइमरी की जो है वो इसकी कंस्ट्रेंट में लिखना होगी। सेकेंड वन इज नेम, यहाँ पे हमारा कॉलम जो है सेकंड वो नेम से रिलेटेड लिखना चाहते हैं, नेम लिख दिया जी हमने। अब डेटा टाइप क्या आनी चाहिए, डेटा टाइप आपकी आनी चाहिए जी वेरकर। वेरकर क्या है ये भी आपकी एक डेटा टाइप है, हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वेरकर और कैर जो है यानी कि ये करेक्टर से ही निकली है, कितने करेक्टर से रिलेटेड है और ये वेकर क्या है। हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे देते हैं जी, आपकी लिमिट होनी चाहिए कि 50 करेक्टर्स तक जो आपका नेम है वो लिखा जा सकता हो, यानी कि अब कोई स्टूडेंट है जिसका जितना मर्जी बड़ा नाम हो उसमें जो है 20 to 25 करेक्टर्स तक होते हैं, बट हम यहाँ पे एक लिमिट दे देते हैं कि जी 50 करेक्टर्स तक आपका जो वेरकर है वो हो सकता है। उसके बाद थर्ड कॉलम हम क्रिएट करना चाहते हैं जी एज का, तो जो यहाँ पे हमने एज लिख दिया कॉलम नेम, डेटा टाइप हमने यहाँ पे दे दिया इंटीजर क्योंकि एज भी जो होती है वो नंबर्स की फॉर्म में होती है, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट दे दिया है कि नॉट नल होनी चाहिए। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दे दिया कि जो हमारी एज है वो नॉट नल होनी चाहिए। अब नॉट नल का मतलब क्या है, नॉट नल का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो होगा उसकी कोई ना कोई एज के लिए फिगर्स होंगे, ये नहीं हो सकता कि किसी भी स्टूडेंट की एज जीरो हो। तो यहाँ पे नॉट नल का मतलब ये है कि आपकी ये कंडीशन यहाँ पे एज वाले कॉलम पे अप्लाई होनी चाहिए। अब इसको हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच में क्रिएट करके देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना ये टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं तो हम इसको कॉलेज वाली जो डेटाबेस हमने क्रिएट की है इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। एग्जीक्यूट करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरी कॉलेज वाली डेटाबेस जो है वो यूज होगी। अब यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करता हूँ जी क्रिएट टेबल, टेबल का नेम होना चाहिए स्टूडेंट, ब्रैकेट एंटर। हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी, डेटा टाइप क्या होनी चाहिए इंटीजर, और इस पे जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेंट होना चाहिए हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की कॉमा लगा के एंटर प्रेस करेंगे, कॉमा जहां पे आएगा वहां तक हमारा एक कॉलम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आना चाहिए नेम से रिलेटेड, नेम, नेम की जो डेटा टाइप है वो होगी वेरकर, कंस्ट्रेंट होगा जी इसमें 50 क्योंकि हमने ये लिमिट दी है और ये स्पेसिफिक कंडीशन है, और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे एंटर प्रेस करेंगे। और इसके बाद आएगा जी थर्ड कॉलम एज, डेटा टाइप होगी इसमें इंटीजर और कंस्ट्रेंट होगा जी नॉट नल, और ये लास्ट कॉलम है तो इसके लिए हम एंटर प्रेस कर देंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे जी ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन के बाद अगर मैं यहाँ पे इस टेबल के लिए जो डेटा हमने लिखा है इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ
एग्जीक्यूट करने पे अगर मैं नीचे जाऊं तो मुझे ये क्रिएट टेबल बता रहा है जी, क्रिएट टेबल हो चुका है। अब यहां से मैं कॉलेज वाले डेटाबेस में जाता हूं, कॉलेज वाले डेटाबेस में जाके यहां से मैं रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने पे टेबल्स वाला कॉलम खोलते हैं और ये स्टूडेंट वाला आ गया है जी। स्कीमा, स्कीमा में यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं। कॉलम्स में क्या है जी, आपके पास एक आईडी है, नेम है और एज है। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है जिसमें कॉलम होगा आईडीज का, नेम का और एज का। इस तरीके से हम जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप किस तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे इंसर्ट इनटू। इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, हमें पता है कि हमारा टेबल जो है वो है स्टूडेंट नेम से, और वैल्यू क्या होनी चाहिए जी आपकी, वैल्यू होनी चाहिए आपको पता है कि यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कॉलम है वो है आईडी का, सेकंड वन इज नेम कॉलम एंड थर्ड वन इज एज कॉलम। सबसे पहले हम आईडी मेंशन करेंगे, आईडी होनी चाहिए जी 1001 कॉमा नेम। एक स्ट्रिंग फॉर्म है, जो कोडर्स हैं उनको पता है कि कोडिंग करते हुए जो नेम होता है अल्फाबेट्स की फॉर्म में, जो भी आपका कमांड होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास, और इसमें मैं नेम लिख देता हूँ जी अहमद, और कॉमा एज क्या होनी चाहिए जी 26, और यहाँ पे लगा देंगे जी सेमी कॉलन, एंटर। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट में, स्टूडेंट आपका टेबल नेम है, वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, वैल्यू आपकी होनी चाहिए जी सबसे पहले आईडी 1002 कॉमा, उसके बाद नेम हसन इन्वर्टेड कॉमास कॉमा, एंड एज यहाँ पे आनी चाहिए 27, उसके बाद सेमी कॉलन, और मैं इन दोनों वैल्यूज को करने के लिए इंसर्ट यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका कोड जो है वो रन हो गया, इंसर्ट हो गई है वैल्यूज। सेकंड वाली को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं जी। अब आपकी दोनों वैल्यूज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि कैसे इंसर्ट हुई है वैल्यूज, तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसको मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे आपको आउटपुट जो शो होती है वो आपको टेबल की फॉर्म में शो होती है 1001, ये आईडी है अहमद की और 26 एज है, 1002 आईडी है इसकी हसन की और एज जो है वो 27 आ रही है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये स्टार क्या है। स्टार जो होता है वो आपके पूरे के पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। मैंने ये कहा कि सिलेक्ट कर लें सारे के सारे डेटा को, थ्रू आउट ऑल डेटा को फ्रॉम स्टूडेंट को, और स्टूडेंट टेबल में से ये जो हमने सारा डेटा सेलेक्ट करवाया है उसके बाद ये हमें आउटपुट की फॉर्म में शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू आपकी आनी चाहिए जी 1003 कॉमा, नेम आ जाए जी सुबहान कॉमा, और एज आनी चाहिए 29, के बाद ब्रैकेट के बाहर हम सेमी कॉलन लगा देंगे। और अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये एग्जीक्यूट यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मुझे तीन स्टूडेंट्स के नेम, आईडीज और सारा डेटा जो है वो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को टेबल में इंसर्ट करते हैं बाय यूजिंग माई एसक्यूएल वर्कबेंच।